अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज, हमें बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय भी पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। आ कर ले तू आगाज हुनरबाज, हम है हुनरबाज। हुनरबाज स्किल टू विन इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। हुनरबाज तो आप हो सकते हैं, लेकिन हुनर की बाजी जीतने के लिए आपकी मुट्ठी में कुछ खास गुर होने चाहिए। आपके बोलने की अदा, आपके कपड़े पहनने की अदा, बॉडी लैंग्वेज आपके करियर पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। हुनर है जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, और ये सॉफ्ट स्किल्स अगर तकनीकी कुशलताओं के साथ घुल मिल जाए तो हुनर का जादू एकदम निखर जाए। क्या बात है। सॉफ्ट स्किल्स हो तो कोई चाय बनाने वाला टी हाउस खोल सकता है। और अच्छी बात यो ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में वाकई ट्रेनिंग देते हैं। सोचिएगा, सॉफ्ट स्किल्स सीखकर आप अपने हुनर को मजबूत करना चाहेंगे या नहीं। क्या बात। आज के एपिसोड में जानेंगे कि 2015 में ब्राजील में होने जा रहे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के बारे में, ब्यूटी और आईटी में लगेगी हुनर की बाजी, और साथ ही हुनर की बात में नैसकॉम की वाइस प्रेसिडेंट संध्या चिंताला से एक मुलाकात। सनी, तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम कितने टेक सेवी हो। मैं ज्यादा नहीं हूँ, पर तुमसे तो ज्यादा ही हूँ। ओके। अच्छा। हाँ। कंप्यूटर चला लेते हो? चला लेता हूँ, दौड़ा के दिखा सकता हूँ, दौड़ा के। कंप्यूटर चलाना स्किल का काम होता है। आईटी स्किल का वर्ल्ड कंपटीशन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये स्किल सीखना कितना मुश्किल काम है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, ये क्या होता है? वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हर 2 साल में होता है, जहाँ दुनिया भर के 1000 से भी ज्यादा हुनरबाज अपना हुनर आजमाते हैं। और आप ना सिर्फ इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड जीत सकते हैं, बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जिस तरह अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक होता है, उसी तरह अलग अलग 47 स्किल्स का ओलंपिक होता है, जिसे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। हर 2 साल में होने वाले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में 50 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। There's so many different things where you can see. You can really find a skill trade that really speaks to you. You can inform yourself about the different trades, about the different skills. You'll meet new people, you'll see new skills, maybe something you never knew was out there. And it's a once-in-a-lifetime opportunity to go see it now in Calgary. और 2007 से भारत भी हुनर के इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहा है। और 2009 में एन प्रियदर्शन ने मोल्ड मेकिंग में सिल्वर जीतकर भारत का डंका बजा दिया। भारत में स्किल को प्रोत्साहित करने का काम NSDC कर रहा है। भारत के छोटे छोटे गांव, कस्बों से लेकर मेट्रो सिटीज तक के हुनरबाजों को तराश के वर्ल्ड स्किल के लिए तैयार करता है NSDC। खूबसूरत है वो इतना कहा नहीं जाता। सनी, खूबसूरती को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद उसके बारे में बात करते हैं। और खास तौर पर जब बात हो रही हो ब्यूटी के वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की। ब्यूटी के वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में बहुत हुनर की जरूरत होती है। तो देखते हैं क्या क्या। इन दिनों देश भर के अलग अलग सेक्टर्स के हुनरबाज एक दूसरे से जमकर कंपटीशन कर रहे हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है, साओ पाउलो, ब्राजील। यहाँ अगस्त 2015 में होने जा रहा है वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चाह रहा है हर सेक्टर से भारत के बेस्ट हुनरबाजों को चुनना, ताकि वो ब्राजील में होने जा रहे कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीत सके। हमारी जो तकदीर है ना, हमारे हाथ में लिखी होती है। आज आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथों से ऐसे कंपटीशन जीत करके अपने तकदीर बदल रहे हैं। इसी लक्ष्य के साथ हुआ NSDC का दिल्ली में ब्यूटी सेक्टर का नेशनल कंपटीशन। ब्यूटी सेक्टर का कंपटीशन है नजाकत का, खूबसूरती का, ग्रूमिंग का, स्किन, हेयर, नेल, इन सब की कुदरती खूबसूरती को अपनी कला से और ज्यादा उभारने का।
इस कला में अपना जौहर दिखाने आए 21 सेमीफाइनलिस्ट। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक पूरे जोश के साथ इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। 21 में से चुने जाने थे 5 फाइनलिस्ट, यानी 5 बेस्ट ब्यूटी हुनरबाज। वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेशन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, स्किल को डेवलप करने के लिए। मुझे लगता है लोग बहुत टैलेंटेड हैं। अपनी उंगलियों के सही प्रेशर और घुमाव से स्किन को निखारना, सही मेकअप से चेहरे और आंखों की खूबसूरती को बढ़ाना, रंगों और डिजाइन के सही चुनाव से नेल्स को चमकाना, इन्हीं सब पॉइंट्स पर कंटेस्टेंट्स को परख रहे हैं ज्यूरी के मेंबर्स। 3 दिन की हुनरबाजों की मेहनत के बाद ये टास्क खत्म और अब है इंतजार रिजल्ट्स का। और हमारे हुनरबाज हैं ध्रुति बराड, नेहा चंदे, वघीशा राज, रवीना परमार, मानसी भारती। ये हैं वो 5 हुनरबाज जिन्हें दी जाएगी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ताकि ब्राजील के वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में वो दुनिया के बेस्ट ब्यूटी हुनरबाजों से जमकर मुकाबला कर सकें। स्किल्स के नेशनल कॉम्पिटिशन की इस सीरीज में था पुणे में एनिमेशन हुनरबाजों का कॉम्पिटिशन। रीजनल कॉम्पिटिशन के 100 हुनरबाज अब छट कर रह गए हैं सिर्फ 10। क्रिएटिविटी और एनिमेशन सॉफ्टवेयर में महारत, ये 2 जरूरी आयाम हैं इस कॉम्पिटिशन के। टास्क पूरा होने के बाद जूरी ने चुने 3 एनिमेशन हुनरबाज, NIIT त्रिची के श्रीराम, रिलायंस AIMS मुंबई के राजेश, MIT पुणे की अवि अग्रवाल। इन 3 हुनरबाजों को NSDC देगा एडवांस ट्रेनिंग, ताकि वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में वो भारत के लिए मेडल्स जीत सके। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NASSCOM के साथ मिलकर तैयार कर रहा है IT टैलेंट को, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे 2015 साओ पोलो ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग स्किल कॉम्पिटिशन में और इनका मूल्यांकन होगा टेक्निकल एक्यूमेन और सॉफ्ट स्किल पे, और फिर मिलेगा हमें विजेता। तो देखते हैं कौन होगा वो जो देश को रिप्रेजेंट करेगा। आज हम NIIT न्यू दिल्ली में, जहां पर वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2015 के नेशनल सिलेक्शंस हो रहे हैं फॉर ITSSB स्किल्स, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय NASSCOM इन एसोसिएशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हम इनवाइट करना चाहेंगे SSC NASSCOM के प्रोमो मार्केटिंग लीड मिसेज जन्नत जर को, जो कि इस कॉम्पिटिशन की मेंटर है। वेलकम टू द शो हुनरबाज मैम। थैंक यू मैम। ये बताइए कि ये जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो रहा है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? There are about 16 participants in this competition. Qualification क्या चाहिए इस competition में participate करने के लिए? हम participants को 2 skills में judge करेंगे, .NET होगी या Java या SQL में। आज का हमारा टास्क है थिएटर टिकट बुकिंग साइट के लिए सॉफ्टवेयर कोड तैयार करना। इस टास्क को पूरा करने के लिए इन्हें 2 दिन का समय दिया जाएगा और इन हुनरबाजों को जांचा जाएगा 3 अलग अलग लेवल्स पर। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा लेवल एक्चुअल सॉफ्टवेयर लिखना, और तीसरे और आखिरी लेवल में टेक्निकल टेस्ट के साथ साथ उनके बनाए हुए प्रोग्राम्स का असेसमेंट। 2 दिन चलने वाले इस कॉम्पिटिशन के पहले दिन सभी 16 हुनरबाजों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फिर उन्हें प्रोग्राम लिखना है। आज 6 घंटे हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और कल ये वापस आएंगे एंड हमारी जूरी के सामने विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट, दे विल शो कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इन सब का टाइम शुरू होता है अब। आज का ये टेस्ट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस टेस्ट में हर हुनरबाज को 1 सवाल के 4 जवाब दिए जाएंगे और इन्हें सही जवाब पर टिक करना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या जरूरत पड़ती है इसमें? एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ हम उनका टेक्निकल स्किल देख रहे हैं, साथ में वी हैव टू ऑल्सो सी कि जो जीतने के लिए और हुनर ज़रूरी होते हैं एक वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन में, वो हम इस एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से देखते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा कर अब हमारे हुनरबाज सॉफ्टवेयर कोड लिख रहे हैं। हर प्रोग्रामर को ये ध्यान रखना होगा कि एंड यूजर को टिकट बुक करते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं, उन्हें क्या सुविधाएं चाहिए होती हैं। इसके लिए उन्हें सारे ऑप्शंस और उनके हिसाब से निकलने वाले मल्टीपल चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम तैयार करना है।
ITSSB की इस कैटेगरी में पिछले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2013 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सार्थक जैन ने, जहां उन्हें मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड से नवाजा गया था। सार्थक ने अपने पिछले वर्ल्ड स्किल के अनुभवों के आधार पर हमारे इस साल के नेशनल लेवल के फाइनलिस्ट्स को कुछ टिप्स दिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चीज़ों को जो लिखा हुआ है सिर्फ वही काम करो, ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं अपने दिमाग में। वहाँ पर आपके चारों तरफ लोग बातें कर रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, और अगर भगवान ना करे आपके आसपास कोई ट्रांसपोर्ट वाला स्किल है तो बस बात तो कुछ और नहीं है। तो आपकी पूरी नॉइस रहती होगी, लोग आपके आसपास कर रहे होंगे, फ़ोटो खींच रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल जैसे ही खत्म होगा आपसे ले लिया जाएगा। वो कोई आधा अधूरा काम ना करो, क्योंकि आधे अधूरे पे जीरो मार्क्स मिलते हैं, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सार्थक के ये अनमोल टिप्स कंटेस्टेंट्स को उनके मिशन वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल तक पहुंचाने में जरूर मील का पत्थर साबित होंगे। अबाउट अभी 3 घंटे हैं बाकी फॉर देम टू कंप्लीट द असेसमेंट। ओके, ये कौन से प्रोसेस पे अभी फिलहाल? आप कोडिंग का पार्ट में खत्म करो, इसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं और फिर ऑप्टिमाइज करना है। ओके, तो आपको लगता है कि जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें आप कंप्लीट कर लेंगे? होपफुली। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट? कोडिंग? नो, नॉट कोडिंग। ओके, एज यू सेड गोइंग मेथडोलॉजिकली, मेथडोलॉजिकली गोइंग इज द टफेस्ट पार्ट, यू थिंक सो? Absolutely, they have to have a very clear इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है। सभी हुनरबाज अपनी स्किल और नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। जहां कुछ हुनरबाज थोड़े नर्वस लगे तो वहीं कुछ एकदम कॉन्फिडेंट। अब टास्क का आखिरी कुछ समय बचा हुआ है, जहां वो सभी अपने अपने प्रोजेक्ट को फाइनल शेप देने में लगे हुए हैं, और ये शुरू हो गई उल्टी गिनती। 5, 4, 3, 2, 1। ITSSB का आज पहला दिन यहाँ पर खत्म होता है, और मैम कैसा रहा आज का ये दिन? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग दिन था। अब लेट्स सी कल क्या होता है। टुमारो अगेन इज अ चैलेंजिंग डे फॉर देम। कल का दिन लाएगा इन हुनरबाजों की किस्मत का फैसला, लेकिन उसके पहले हम करते हैं हुनर की बात। सो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ है डॉक्टर संध्या चिंताला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नैसकॉम एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSC नैसकॉम के। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि नैसकॉम का वर्ल्ड स्किल्स के साथ जुड़ना, इसके पीछे का मकसद क्या है? So actually we feel that the world... हमें लगता है कि वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अपने स्किल्स को दिखाने का, खासतौर पर C++, जावा, .NET, SQL से जुड़ी स्किल्स को दिखाने का। 2015 में होने जा रहे वर्ल्ड स्किल्स में ये की स्किल्स जिनका टेस्ट किया जाएगा। देश के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने स्किल्स को दिखाने के मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन ये उनके लिए मौका है ऐसा कुछ करने का। IT सेक्टर में ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बीच का जो एक ब्रिज है, उसे कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? You're very correct in what you're saying, because ऐसे है कि अभी the industry is not stagnant. हमारा स्किल्स जो जरूरत है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, we keep changing. तो ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड की ही बात नहीं है, लेकिन बात है सही जॉब के सही स्किल्स की। मैम, फार इंटीरियर्स की अगर हम बात करें, गांव देहात की बात करें, जहां पर एक बच्चा एस्पायर करता है कि उसे भी वोकेशनल स्किल्स में ट्रेनिंग चाहिए, या वो भी वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वहाँ तक आपका मैसेज कैसे पहुँच सकता है? First time we have also participated in पहली बार हमने क्षेत्र सिलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के जरिए हमने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। 50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जहां से 170 स्टूडेंट्स को चुना गया। फिर IBM, Infosys, Microsoft के अपने सिलेक्शन है, और उनमें से भी हमने सबसे अच्छे करने वालों को चुना है। सो कुल 16 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे होंगे और बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी होगा आपसे, कोई एक ऐसी चीज जो आप उन्हें एज अ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? व्हाट यू नो बट व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू नो दैट मेक्स अ डिफरेंस। क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। आज दूसरा दिन है हमारे इस कॉम्पिटिशन का,
ये बताइए कि ये टेक्निकल टेस्ट क्या चीज होती है और इसकी जरूरत क्या है? इस पे हम दो चीजें कैंडिडेट्स पे के लिए टेस्ट करेंगे। वन विल बी, पहली होगी कि कंटेस्टेंट के द्वारा चूज किया गया सॉफ्टवेयर जैसे जावा और .NET में उनकी कितनी पकड़ है, और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर स्किल का भी असेसमेंट होगा। हम शुरुआत करते हैं इस दिन की इस टेक्निकल टेस्ट के साथ। आईटी कंपटीशन का दूसरा दिन शुरू हुआ। सभी कंटेस्टेंट्स के बनाए प्रोजेक्ट और उसमें यूज की गई लैंग्वेज के आधार पर टेक्निकल असेसमेंट से, जहां पर सभी कंटेस्टेंट्स को उनके प्रोजेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए। सभी हुनरबाजों ने टेक्निकल असेसमेंट को पूरा कर लिया है और अब बारी है उनके द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की। My application and also my solution and my ideas. Less excited, more nervous. Yeah. अभी final assessment के लिए interview लिया। प्रेजेंटेशन राउंड शुरू हो चुका है। ये जो प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे देख सकते हैं? अभी जजेस ये देख रहे हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, has that been accomplished by the candidates or not? प्रेजेंटेशन रूम में सभी हुनरबाज एक एक करके अपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ अगर किसी हुनरबाज ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है तो भी वो इस कंपटीशन में बना रह सकता है, क्योंकि ज्यूरी उसके बनाए प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, बनाया गया प्रोजेक्ट यूजर फ्रेंडली है या नहीं, प्रोजेक्ट बनाते वक्त किस तरह की स्किल कंटेस्टेंट्स ने यूज की है, इन सभी बातों पर जज कर रही है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी खत्म हो चुके हैं, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स थ्रू हो चुके हैं इस प्रोसेस से। अब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स टू बी आउट। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होने वाला है। ज्यूरी ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद जहाँ पहले 3 फाइनलिस्ट चुने जाने थे, वहाँ अब 4 फाइनलिस्ट चुने गए और आज के इस आईटी कॉम्पिटिशन के फाइनलिस्ट है। किसी भी सवाल की एक खास बात क्या होती है? तुम्हें जवाब पता हो तो बताओ, वरना रहने दो। सवाल की खास बात ये होती है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त सामने आ जाता है। जैसे कि हम सब कभी न कभी करियर के सवाल से रूबरू जरूर होते हैं। बिल्कुल, और अगर आईटी रिलेटेड करियर के सवाल हो तो सुलझा सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। जब आईटी शुरू हुआ था तब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत डिमांड थी। आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स जो हैं इतने आ गए हैं, तो एप्लीकेशन ऐसी चाहिए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सके। आजकल कस्टमर्स जो हैं वो मोबाइल से भी काम करते हैं, टैबलेट से काम करते हैं, डेस्कटॉप से काम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड मैनेजमेंट की बहुत डिमांड होने वाली है, बिकॉज हर चीज़, हर एप्लीकेशन क्लाउड पर डिप्लॉय हो रही है। क्लाउड मैनेजमेंट को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल ले दूँगी कि पहले अगर मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करती थी तो मुझे बड़े बड़े सर्वर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना पड़ता था आईटी को यूज़ करने के लिए। आज की डेट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और उन सर्विस प्रोवाइडर्स में सर्विस लेके अपना होस्टिंग कर सकती हूँ एप्लीकेशंस की, तो मेरी आईटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सेव होती है। आप अब नई सरकार का सपना देखें या नई सरकार का की दिशा देखें तो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। डिजिटल इंडिया में 250,000 गांवों के अंदर डेटा पहुंच जाएगा, ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगी, पर उसको अगर यूज करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए। अब जो नौकरियां खुलेंगी वो खुलेंगी छोटी छोटी जगहों पे। जो सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड में आता है वो ऐप डेवलपमेंट ही है। उसके अलावा एनालिटिक्स की आजकल बहुत डिमांड है, तो बिकॉज डेटा इतना फ्लो हो रहा है आज की डेट में, फेसबुक है, सोशल मीडिया साइट्स इतनी आ गई हैं जिससे डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, और अगर आप उसको एनालाइज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं तो कंपनी का उसको बेनिफिट मिलता है। तो आई एम श्योर इन फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर इंडिया। पिछले
पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था देश भर में आईटीआई शुरू करने के लिए नॉर्म्स और गाइडलाइंस कौन तय करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं गुजरात के जयेश पालिया। और अब इस हफ्ते का सवाल, 2013 वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में ITSSB कैटेगरी में इंडिया की ओर से मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला था? आज का सवाल है, भारत की तरफ से 2013 के वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में ITSSB कैटेगरी में मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अभिषेक त्रिपाठी, ऑप्शन बी सारंग शर्मा, ऑप्शन सी सार्थक जैन। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 35 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा ₹10,000 का इनाम। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 0880005555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में रहने वाले 20 साल के जुल्फिकार अली भुट्टो वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में फैशन टेक्नोलॉजी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुड़गांव के अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर ATDC में फैशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहे जुल्फिकार ने वर्ल्ड स्किल द्वारा दिए सभी 42 क्राइटेरिया नेशनल लेवल में पार किए। फरीदाबाद में वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन हुआ, उसके बाद ATDC ने हमें पैटर्न का मेरे को प्रैक्टिस करवाया, दूसरे राउंड में मैं फर्स्ट नंबर पे आया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर प्राइवेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के तहत 2022 तक 5000 करोड़ लोगों को स्किल करने का भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। चलो टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मिलने के लिए, तब तक के लिए मजे करेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ हुनर सीखेंगे, कुछ हुनर सिखाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस। क्या आप जानते हैं कैसे कोई बिना हाथ के पेंटिंग कर सकता है, या फिर मैकेनिकल कोर्स करके कैसे कोई दोनों पैरों से विकलांग जी सकता है एक डिग्निफाइड लाइफ? मेरा कॉन्फिडेंट भी लो था, जब वो तारता में पहुंचे तो ऐसे लोगों से मिली तो उनको देख के मुझे मेरे अंदर हिम्मत आई। देखिए एबिलिंपिक्स में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के स्किल्स की झलक अगले हफ्ते। Hunar Buzz Skill to Win is sponsored by Margo Face Wash and NSDC.